अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बस हमारा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा, 3-4 दिन हो गए, बारिश दिन रात हो रहे हैं। और थाईलैंड में तो बस 2 महीने अक्सर बारिश होता है ना, दिन रात 24 घंटे बारिश होता है। इसलिए हम कोई वीडियो नहीं बना पा रहे और बाहर नहीं जा पा रहे। तो अभी मेरे घर के अंदर सांप आया है, चलो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और इसको मैं पकड़ूंगा ना, जिंदगी में पहली बार हम ये काम करेगा ना, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। हाँ वो बड़ी बोतल नहीं गई, हाँ उल्ला, हाँ ऐसा मोबाइल फोन में मैं कट कर दोबारा सीन कर शुरू कर दूँ। शूट की कर रहे थे मोबाइल से कैमरा, पता लिया बोतल ने मैं किस तरफ पाऊं। शाह ध्यान है वीडियो के चक्कर च। बोलता चले जाने बोलता चले ही जाएगा मेरे ख्याल में। वो ना चलता थोड़ी ना है, पीछे नहीं चला गया ना, चला गया था कंधे तक, कंधे तक, कंधे तक, कंधे बहुत मत फिर हाँ धक्के बताओ पीछे से। वाओ पीछे पकड़ लिया मैंने, काफी बड़ा है ये, नजर आ रहा है ना। जिंदगी में पहली बार हमने पकड़ा है सांप ना, बहुत डरते थे। बस इधर अक्सर हम गांव में जाते हैं ना, सांप अक्सर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े हमने देखे हैं ना, तो लोग पकड़ते थे, इसलिए मुझे इल्म हो गया था। तो आज हमने भी पकड़ लिया है ना, कम से कम ये होगा 1.5 फुट का होगा कम से कम ना, यार है ना बोतल के अंदर है। हाँ बहुत बड़ा है ना, ये देखें बहुत लंबा है ना, आज पकड़ लिया हमने इसको। मामा पीछे हो जाना कर, ये नजर आ रहा है ना आपको। थाईलैंड में बहुत है, मलेशिया थाईलैंड में
हमने बहुत देखे ना, जो तकरीबन 10 फुट का भी देखे हैं हमने, 15 फुट का भी सांप देखे हैं ना, अपनी आंखों के सामने देखे, बस उस वक्त दिमाग में नहीं था, वीडियो नहीं बनाया हमने, इसलिए तो अभी हमने इसका बना लिए, ये देख सकते हैं। अभी पता नहीं कौन सा सांप है, कल जाएंगे इसको जाके छोड़ देंगे जंगल में कहीं दूर ना, तो अच्छा नहीं लगता, नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे जाके।